1995 में इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय वक्फ बोर्ड का गठन किया था। वक्फ बोर्ड के गठन के बाद वक्फ की संपत्तियां गठन के बाद से 8 गुना 10 गुना बढ़ गईं। आज स्थिति यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में वक्फ की संपत्तियां सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा है। मेरी व्यक्तिगत रूप से मांग है सरकार से कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, जो जमीन है वो कब्जाई जा रही है। अगर वक्फ बोर्ड की, चाहे उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, या कहीं की अगर बात करें, तो वक्फ बोर्ड एक बोर्ड बनाया गया, उसके अंतर्गत जो ज़मीनें हैं, लोगों का वहाँ पर कब्जा है, अल्पसंख्यक लोग वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सरकार से ये अपील की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनकी जाँच की जानी चाहिए, और जो भी उसके तरह दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। कोई भी सरकार द्वारा अनुदानित संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, गैर सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, सरकार को अगर अंदेशा लगता है, सूचनाएं आती हैं कि इन संस्थाओं में नियमों का, परंपराओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसे पूरा अधिकार है जांच कराने का, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का, उस पर सहमति बनाकर कार्रवाई करने का। देखिए, सरकार ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करने का जो आदेश जारी किया, कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत से माफिया भूमाफिया जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी उन गरीब बेसहारा मजलूमों के लिए है, यतीम के लिए, जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं, जो बेसहारा ऐसे लोगों की संपत्ति पर बड़े बड़े भूमाफिया कब्जा किए। अगर सरकार इस तरह का सर्वे करके इन संपत्तियों को खोजती है, तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारी ये मांग है कि ऐसी जगहों पर यतीम खाने खोले जाएं। जनता के मुद्दों पे फेल है, और सरकार आज हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम को एकदम भड़का करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस अभी मदरसों का ये जांच करा के कंफर्म किए हैं। अब वो बफ संपत्तियों का जांच करा रहे हैं। बफ संपत्तियों का जांच कराने का मतलब है अवैध कब्जे को मजबूती प्रदान करना, क्योंकि इससे अवैध कब्जेदार उस पर मजबूती से कब्जा करेंगे। सरकार केवल दिखावा कर रही है, और ये अपने मेन मुद्दे से भटक गई है। जो आज मेन समस्या है, बेरोजगारी, भुखमरी के कगार पे हैं लोग, और ये अपने मेन मुद्दे से भटक गए हैं। ये केवल ढोंग कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सरकार जांच कराए, लेकिन जो अवैध रूप से कई जगह, जैसे अवैध रूप के अवैध ज़मीन में कई थाने बने हैं, कई संस्कृत विद्यालय बने हैं, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। मान लीजिए, देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की बेरोजगारी है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा सड़क पे घूम रहे हैं, मार्कशीट लेके घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। पहले इन सब पर सरकार प्रतिबंध लगाए, उसके बाद जांच कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, जो सरकार जांच करा रही है, बहुत सही करा रही है। आने वाले वक्त में ये सरकार सबको फ़ायदा देगी, क्योंकि ये सरकार जो है ना हिंदू देख रही है, ना मुस्लिम देख रही है, ना कोई भी बिरादरी का ये पक्षपात नहीं कर रही है। जांच तो सबकी होगी, चाहे मंदिर हुई, चाहे मस्जिद हुई, चाहे गुरुद्वारे हुए, चाहे चर्च हुए, एक दिन सारे लोगों की जांच होगी। लोग ये ना समझें कि ये सरकार किसी को छोड़ देगी। वक्फ बोर्ड की जांच प्रदेश सरकार करा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वक्फ मंत्रालय है, जिसमें मस्जिदों, दरगाहों, तमाम सी प्रॉपर्टियां जिसके संबंध में वक्फ होती है, और वक्फ संपत्तियों का मुतवल्लियों द्वारा मिसयूज किया जाता है, भूमाफियाओं द्वारा तमाम कब्जा कर लिया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता जिसके वक्फ के कब्जा किए हुए हैं। वक्फ मंत्रालय जो है ये निष्क्रिय है, मुतवल्लियों की साठगांठ से वक्फ संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर इसकी वास्तविकता में जांच कराती है ईमानदारी से,
तो बहुत सी संपत्तियां ऐसी हैं कि जो अवैध कब्जे में हैं और मुतवल्लियों द्वारा बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या फिर धार्मिक कोई भी स्थल हो, उन सभी चीज़ों की जांच बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वैध है और कौन सी अवैध। अगर ऐसा होता है, सरकार ये फैसला लेती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जिन पर लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्तियां हैं, उन पे जो भूमाफिया उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, वो बिल्कुल इन पे जो है वो यहाँ पे हटनी चाहिए, और जो दूध का दूध है और जो पानी का पानी वो यहाँ पर बनना। हाँ जी, सही फैसला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो अननेसेसरी जो है कब्जा की जा रही है, और जो है वो पता नहीं कितनी संपत्तियाँ ऐसी निकलेंगी कि जो इन लोगों ने जो है मतलब किसी की भी संपत्ति में कब्जा करके और अपने नाम लिखवा दी। सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो चल रही, यह बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। जो अभी मदरसों का जांच हुआ और अब वक्फ बोर्ड का जो जांच हो रहा है, निश्चित तौर पर तमाम फर्जीवाड़े करके और प्रदेश में नहीं देश में इनकी अकूत संपत्तियाँ हैं जो फर्जी तरीके से प्राप्त हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इन बोर्डों के साथ साथ तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जिनका जांच होना चाहिए, जो तमाम विद्यालय भी हैं और ऐसे तमाम बोर्ड हैं और ईसाई मशीनरियां भी हैं, ये भी एक संस्था है, ये लोग भी फर्जी तरीके से पूरे भारत में कब्जा कर रहे हैं। धीरे देखिए, सरकार जो भी मुद्दे स्वयं उठ करके आते हैं उसको लेकर के वह क्या कर सकती है, उसको क्या करना चाहिए, इस आधार पर निर्णय लेती है। मुझको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय निश्चित रूप से उनके ही अंदर से उठे हुए आवाज़ को समर्थन है। वक्त की संपत्ति को लेकर के स्वयं मुस्लिम समाज में बहुत दिनों से यह समस्या उठाई जाती रही है कि यह संपत्तियां औने पौने भाव में कौड़ी के भाव बेची जा रही है, इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, इसको अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं, ये सारे प्रकरण का निस्तारण होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों का सवाल है, वक्फ की संपत्तियों पर प्रायः देखा जा रहा अराजक तत्वों का ही कब्जा है, जांच कराया जाना सराहनीय कदम है। ISI गतिविधियां वहां संचालित होती हैं, अराजक तत्व तो रहते हैं, वक्फ संपत्तियों का जांच कराया जा रहा बड़ा सरकार का सराहनीय कदम है, जाँच कराया जाना आवश्यक है, जाँच करा के कार्रवाई किया जाना भी आवश्यक है, जिससे देश विरोधी गतिविधियां वहां संचालित हो रही हैं।